सब्सक्राइब करें मेरे चैनल शिप्रा जोशी को और बेल बटन पर क्लिक करें लेटेस्ट रेसिपी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 3 मजेदार मसाला पापड़ रेसिपीज जो आपके अदरवाइज बोरिंग पापड़ को बहुत ही इंटरेस्टिंग बना देगी। फिर चाहे 4 बजे लगने वाली भूख हो या फिर अचानक आपके घर में कोई मेहमान आ गया हो, ये रेसिपीज आपको बहुत ही ज्यादा काम आने वाली है क्योंकि ये सब घर में रखी हुई चीजों से ही बनाई गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे पापड़। क्योंकि यहाँ पर मैं 3 अलग अलग रेसिपीज बनाने वाली हूँ इसलिए मैंने 3 पापड़ ले लिए हैं। फिर मैंने लिए हैं 1 कप बारीक टुकड़ों में कटे हुए प्याज, 1 कप स्वीट कॉर्न्स, थोड़ा सा हरा धनिया, टमेटो केचप, चाट मसाला, लाल मिर्च पाउडर और नमक, और आखिर में हम लेंगे टमाटर। अब मसाला पापड़ बनाते वक्त टमाटर को काटते हुए हमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी है, वो ये है कि टमाटर में नेचुरली पानी होता है और अगर हम उसे डायरेक्टली काट कर पापड़ में डाल देंगे तो पानी होने की वजह से पापड़ भीग जाएगा और वो खराब हो जाएगा। इसलिए टमाटर को पापड़ में डालते वक्त हमें हमेशा पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि हम टमाटर को 2 हिस्सों में काटें, उसका पल्प निकालकर अलग करें और फिर बचे हुए टमाटर को काटकर उसे पापड़ में डालें। ये देखिए कुछ इस तरह से। अब हम एक फिलिंग तैयार करेंगे जिसे आगे की 3 रेसिपीज में यूज किया जाएगा। इसके लिए हमने लिए हैं कटे हुए टमाटर, स्वीट कॉर्न्स, कटे हुए प्याज, 1/4 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून चाट मसाला, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, टोमेटो केचप 1 टेबलस्पून, हरा धनिया, और सभी चीज़ों को अच्छे से मिला दिया है। मसालों की मात्रा आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फिलिंग तैयार करने के बाद अब हम चलते हैं सीधा पहली रेसिपी की तरफ जिसका नाम है फोल्डेड पापड़। इसे बनाने के लिए हम सबसे पहले तवे को गर्म करके उस पर पापड़ को हल्का हल्का सेक लेंगे। ध्यान रखिए कि इस तरह से पापड़ को सेकते वक्त आपको उसे पहले हल्का कच्चा रखना है वरना वो फोल्ड नहीं हो पाएगा। इसके बाद हम पापड़ को फोल्ड करेंगे और पहले उसे बीच में से और बाद में दोनों साइड से सेक लेंगे। ये प्रोसेस समझाने में थोड़ा सा मुश्किल है, बाकी वीडियो में देखने से आपको क्लियरली समझ आ रहा होगा। अगर आप चाहें तो पापड़ को इस तरह से फोल्डेड शेप में सेकने के लिए तवा हटाकर इसे डायरेक्टली गैस के फ्लेम पर भी सेक सकते हैं। इसके बाद जो फिलिंग हमने तैयार करके रखी थी उन्हें इन पापड़ों में भर लीजिए और इंजॉय कीजिए ये टेस्टी फोल्डेड पापड़। अब चलते हैं हमारी दूसरी रेसिपी की तरफ जिसका नाम है पापड़ प्लेट चाट। ये रेसिपी पिछली वाली के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। कुछ नहीं करना आपको इसमें, बस एक पापड़ सेकिए। ये रेसिपी उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है जो बिगिनर्स हैं, हॉस्टल में रहते हैं, स्टूडेंट्स हैं और जिन्हें चाय और मैगी के अलावा कुछ बनाना नहीं आता। क्योंकि ये इतनी सिंपल है कि इसमें आपको कुछ नहीं करना, बस बिना हाथ जलाए पापड़ सेक लीजिए। आप चाहें तो इसे इस तरह से चारों तरफ से चम्मच से दबाकर सेक लीजिए, इससे अच्छा सिक जाएगा। पापड़ सेकने का भारी काम करने के बाद बस आपको वो फिलिंग लेनी है और इस पर पूरी तरह से अच्छे से स्प्रेड कर देनी है। और बस तैयार हो गया हमारा पापड़ प्लेट चाट। ये रेसिपी बनाने में तो बहुत ज़्यादा आसान है, पर जब आप इसे खाएंगे और अपने दोस्तों को खिलाएंगे तो यकीन मानिए वो उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे। इसी बात पर चलते हैं हमारी तीसरी और आखिरी रेसिपी की तरफ जिसका नाम है पापड़ भुर्जी। ये तो दूसरी वाली रेसिपी से भी बहुत ज़्यादा आसान है। इसे बनाने के लिए बस आप एक पापड़ सेकिए और उसे हाथ से क्रश करके इस बनाई हुई फिलिंग में डाल दीजिए। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है और ये लो तैयार हो गई हमारी तीसरी रेसिपी यानी कि पापड़ भुर्जी। अगर किसी दिन घर में सब्जी नहीं बनी है तो आप इसे तुरंत बनाकर रोटी या ब्रेड के साथ भी आराम से खा सकते हैं। है ना आसान और मज़ेदार? तो बस जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस जब भी मैं पोस्ट करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।